वेलकम टू श्रियांश टीवी। हे माय लवली पीपल आउट देयर, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज हम फिर से आ गए आपके सामने एक अपनी अच्छी सी प्यारी सी वीडियो लेकर। एंड आज का हमारा टॉपिक थोड़ा सा ऑफबीट है। आज हम करने वाले हैं मीशो अनबॉक्सिंग, क्योंकि मैं प्लान कर रही थी अपना एक छोटा सा स्टूडियो सेटअप, नॉट अ काइंड ऑफ स्टूडियो सेटअप बट एक बैकड्रॉप तैयार करने का, लाइक एक वॉल पे पूरा एक बैकड्रॉप तैयार कर रही हूँ। तो उसके लिए मैंने कुछ चीज़ें मीशो से ऑर्डर की हैं एंड कुछ अमेजोन से पहले ऑर्डर कर ली थी, तो वो सब मैं आपको आज दिखाऊंगी। तो मेजॉरिटी आज जो अनबॉक्सिंग होने वाली है वो सारी चीज़ें मीशो से ही है। सो यस, लेट्स बिगिन विद अ वीडियो। तो हमारा फर्स्ट आर्टिकल ये जो है, ये कुछ ब्लू कलर में है, देख लेते हैं खोल के। ये मुझे रिसीव, मतलब मैंने परचेज किया है 260 रुपीज़ का। सारी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आइटम डिटेल्स सब कुछ। ये थे कुछ आर्टिफिशियल प्लांट्स मैंने ऑर्डर किए थे वाइट कलर में। तो यस, क्वालिटी इनकी बहुत अच्छी है। मीशो से एक्सपेक्टेड नहीं था इतने कम प्राइस में इतनी अच्छी क्वालिटी मिलेगी। ये है सेट ऑफ थ्री, यस 260 रुपीज़ में सेट ऑफ थ्री मिला है एंड क्वालिटी बहुत अच्छी है। आप इसको अगर परचेज करना चाहें तो कर सकते हैं। बाकी तो ये जो सेकंड प्रोडक्ट मैंने मंगवाया था, ये है सेट ऑफ सिक्स बॉन्साई प्लांट्स। जो छोटे छोटे प्लांट्स आपने देखे भी होंगे, काफ़ी कॉमन हो गए हैं अब, लेकिन मुझे काफ़ी पसंद आए थे तो मैंने कहा ऑर्डर करके देखते हैं। एंड बहुत लाइक बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में मुझे रिसीव हुए हैं। 230 में सेट ऑफ सिक्स मुझे ये मिला है। आप क्वालिटी चेक करते हैं कैसी क्वालिटी आई है। नॉट बैड, बहुत अच्छे प्रोडक्ट हैं। साइज भी अच्छा है बट थोड़ी पैकेजिंग में थोड़ा सा गड़बड़ है। पैकेजिंग थोड़ी और अच्छी हो सकती थी बट अकॉर्डिंग टू द प्राइस क्वालिटी बहुत अच्छी है। ये वन एंड ये टू, ये थ्री, ये है आपका फोर, सिक्स। तो यस, ये सेट ऑफ सिक्स रिसीव हुए हैं। तो इसमें ये दो की क्वालिटी इन वालों सबसे बेटर है, ये ज़्यादा अच्छी क्वालिटी के हैं। साइज़ इनका थोड़ा छोटा है एंड इनका साइज़ थोड़ा बड़ा है, बट ठीक है, ओके। 230 रुपीज़ के हिसाब से खरीद सकते हैं, अच्छी चीज़ है। सो ये है हमारा थर्ड प्रोडक्ट। ये एक लव स्टैंड है, ये वॉल के लिए स्टैंड है। इसमें आप लाइक प्लांट्स भी रख के इसको डेकोरेट कर सकते हैं। इसमें प्राइस इसका मेंशन हो नहीं रखा है, मैं स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगी, आप वहाँ चेक कर सकते हैं। बट ये सब अंडर 500 ही थे, तो ये भी अंडर 500 ही प्रोडक्ट था जो मैंने परचेज किए, सारे अंडर 500 है। इसकी क्वालिटी चेक कर लेते हैं कैसा है। ओके, तो क्वालिटी तो इसकी अच्छी है, रिसीव हुई है। ये 4 लेटर्स हैं, इसे एल ओ वी एंड ई, इस टाइप से। इसके साथ ही स्क्रू मिले हैं इसको असेंबल करने के लिए। एंड आई थिंक इसमें कैसे अटैच होगा यार, ये इसमें ऐसे करके यहाँ पे अटैच हो जाएंगे, ग्रूव्स गिवन है यहाँ पे, ऐसे अटैच करके आप इसको वॉल में फिक्स कर सकते हैं। तो ये हमारा एक लव स्टैंड था, इसकी भी क्वालिटी बहुत अच्छी है, डू गिव इट अ चेक। सो ये है हमारा नेक्स्ट प्रोडक्ट, आई थिंक फोर्थ प्रोडक्ट है। तो ये इसमें आए हैं मेरे सेट ऑफ टू, मैंने ये डोनट वासेस परचेज किया है एंड इट इज़ ऑफ 494 रुपीज़। यस, ये मुझे 494 का पड़ा है। एज आई ऑलरेडी मैंशन, सब कुछ अंडर 500 ही है इसमें, जितनी भी मैं आपको अनबॉक्सिंग दिखा रही हूँ। एक बस एक लैम्प को छोड़ के, वो दिखाऊंगी मैं आपको लास्ट में कौन सा लैम्प है। पैकिंग तो आप देख सकते हैं काफी अच्छी है, थर्माकोल में पैक करके दिया है एंड उसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है, वेरी गुड, बहुत अच्छे हैं। फिनिशिंग भी बहुत अच्छी है, फिनिशिंग वाइज भी बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। ये सेट ऑफ टू है, वेरी नाइस, बहुत अच्छी क्वालिटी है। 494 के अकॉर्डिंग तो बहुत ही बढ़िया क्वालिटी है, क्योंकि नॉर्मली हम बाहर से परचेज करने चाहते हैं तो यही क्वालिटी काफ़ी एक्सपेंसिव रेट में मिल रहे हैं। सो यस, ये हमारा आप नेक्स्ट प्रोडक्ट है, इसको देख सकते हैं हम क्या परचेज किया। इसमें दो प्रोडक्ट हैं, एक तो ये पैम्पस ग्रास है, ये हमने ये इस वाले वास जो डोनट वासेज हैं, ये पैम्पस ग्रास उसके साथ स्टाइल करने में अच्छी लगती है, तो इस टाइप की सेट ऑफ टू है।
इसका प्राइस भी आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा। क्वालिटी वाइज इट्स गुड, अच्छा है, आप ट्राई कर लेना अगर किसी को परचेज करना है तो। एक ये मेटल फ्रेम है वॉल, देख सकते हैं क्वालिटी वाइज ये भी बहुत अच्छा है, पेंट भी काफी अच्छा है, फिनिशिंग बहुत बढ़िया हो रखी है इसकी, इसको भी आप ट्राई कर सकते हैं। सो यस, लेट्स प्रोसीड टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट प्रोडक्ट, देखते हैं क्या है ये। ये भी फ्लावर्स ही हैं, आर्टिफिशियल प्लांट्स मंगाए थे हमने, बढ़िया है। उसकी पैकिंग थोड़ी अच्छी नहीं आई है तो थोड़ा ये फोल्ड हो गया है जगह जगह से ना, बाकी क्वालिटी वाइज अच्छा है। प्राइस मैं सबके आपको स्क्रीन पे मेंशन करूंगी, आप वहां से देख सकते हैं। तो ये इसको जब खोल के हम यूज़ करेंगे स्टिक को, काफ़ी अच्छा बंच है ये, पाउडर ब्लू एंड वाइट कलर में है, देख लीजिए काफ़ी अच्छा बंच है। तो मैंने कुछ इस तरीके से प्लान किया था कि वो वाइट वाली स्टिक्स विद दीज फ्लावर्स, इसको मैं स्टाइल करूंगी किसी वास के अंदर। तो यस, लेट्स प्रोसीड टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट प्रोडक्ट। ये क्या है, पता नहीं, बहुत हल्का है। ये कुछ फ्रिज मैग्नेट्स मैंने मंगवाए थे, ये सेट ऑफ फाइव है आई थिंक, यस सेट ऑफ फोर है, काफ़ी अच्छी क्वालिटी में है। दिस इज किचन इज सीजन विद लव, डोंट वरी बी हैप्पी, बहुत अच्छे लगते हैं ये थोड़े फ्रिज पे लगाने के लिए। मैंने ये सेट ऑफ फोर लिया था, अच्छा है, ये भी ट्राई कर सकते हैं आप। फी नेक्स्ट प्रोडक्ट में हमारा क्या है, कहाँ से ऊपर कहते हैं, कुछ आर्टिफिशियल बैम्बू स्टिक्स के नाम से ही ये वेबसाइट पे मेंशन हो रखा था, बैम्बू ट्री के नाम से एक्चुअली, बट ट्री जैसा तो ये बिल्कुल भी नहीं लग रहा है, स्टिक्स ही है, सेट ऑफ फाइव। की क्वालिटी ठीक ठीक है, क्वालिटी वाइज मैं नहीं कहूँगी कि बहुत ही ज़्यादा ऑसम क्वालिटी है या कुछ है, ठीक ठीक क्वालिटी है, वो चीप सा ऐसा प्लास्टिक लुकिंग वाला प्लास्टिक है इसका क्वालिटी, बट पता नहीं मैं इसको वापस भी कर सकती हूँ, देखते हैं कहीं स्टाइल हो पाया तो, अदरवाइज मैं इसको रिटर्न करूंगी। सो अब लास्ट देखते हैं ये सबसे बड़ा वाला बॉक्स है, इसमें क्या क्या है इसको चेक कर लेते हैं। सो यस, ये इस वाले बिग बॉक्स में था ये लैम्प, ये लैम्प अंडर 500 नहीं है, मैंने आपको कहा था ना सारे प्रोडक्ट अंडर 500 है, ये बस थोड़ा सा एक्सपेंसिव था, बिकॉज लाइक अराउंड 1400 और समथिंग, लेकिन क्वालिटी इसकी बहुत अच्छी है, जो अदर वेबसाइट पे मिल रहे हैं उनसे बेटर क्वालिटी की मुझे रिसीव हुई है। तो ये सेट ऑफ थ्री है, मतलब इसमें से थ्री शेल्स टाइप के बन जाएंगे। तो ये कॉर्नर लैम्प है, इसकी कैनोपी देखते हैं ऊपर से कैसी आई है शेड, तो ये मैंने बेज कलर में ऑर्डर किया था, इसमें बहुत सारे कलर ऑप्शंस अवेलेबल हैं तो अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग देख सकते हैं, बट मैंने बेज किया क्योंकि ये वाला कलर मोस्टली सब लाइक वॉल कलर्स के साथ मैच हो जाता है। तो ये इसको मैं जब आपको दिखाऊंगी असेंबल करके पूरा ये किस तरीके से असेंबल होता है एंड कहाँ मैं इसको यूज़ करने वाली हूँ। सो यस, ये तो थे मेरे मीशो के सारे प्रोडक्ट्स जितने भी मैंने मीशो से मंगाए थे। एक प्रोडक्ट मैंने अमेजोन से परचेज किया है, वो वॉलपेपर है जो बैकड्रॉप बनाने की मैं बात कर रही हूँ, उससे मैं इसको यूज़ करने वाली हूँ, तो उसकी भी क्वालिटी मैं चेक कर लेती हूँ, उसको भी अनबॉक्स कर लेते हैं। सो ये इस टाइप का लाइक बेबी पिंक भी नहीं कहेंगे इसको, पिंक के शेड का कलर है, टेक्सचर वाला जो वॉलपेपर होता है ना वो वाला ही हमने परचेज किया, सेल्फ एडहेसिव वाला, मतलब इसके पीछे स्टिक ऑन ग्लू होता है, उसको शीट को आप पील करते जाइए और स्टिक करते जाइए। तो इसको हम दिखाएंगे आपको बिफोर एंड आफ्टर ऑफ माय रूम कि कैसे कैसे मैंने कहाँ पे सब चीज़ें यूज़ कर ली हैं और अब मेरा रूम या स्टूडियो सेटअप कैसा लग रहा है।
ये था मेरा एक छोटा सा मीशो हॉल अनबॉक्सिंग, मैंने आपको सेपरेट सी करके दिखाई थी एंड उसको मैंने कैसे यहाँ सेटअप किया है वो आपने मेरी वीडियो में देख ही लिया होगा एंड आपको बैकग्राउंड में भी दिख ही रहा होगा। तो कोई प्रोडक्ट इनकेस आपको अच्छा लगा, आप उसको लाइक परचेज करना चाहते हैं या कुछ है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा, मैं उसका प्रोडक्ट लिंक आपको शेयर कर दूंगी। एंड येस, थैंक यू सो मच कि आपने मेरी वीडियो को टाइम दिया, अपनी मेरी वीडियोस को आप ऐसे ही अपना प्यार देते रहिए ताकि मेरा मोटिवेशन बना रहे आगे अपनी वीडियोस बनाने के लिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज, फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम, एंड प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियोज एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, वो बेल नोटिफिकेशन प्रेस कर देना ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो वैसे ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू सो मच गाइज, बाय बाय।